कांग्रेस ने हमेशा आदिवासी समाज को केवल वोट बैंक के रूप में ही देखा है, जबकि डबल इंजन सरकार ने हर प्रकार से आदिवासी समाज का जीवन बदलने के लिए निरंतर काम किया है। आप राजस्थान में भी आते जाते रहते हैं, वहां भी आदिवासी समाज कांग्रेस से भड़का हुआ है। मैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी अनेक आदिवासी साथियों से बीते कुछ समय में मिल चुका हूं। हर तरफ कांग्रेस के विरुद्ध घनघोर गुस्सा और भाजपा पर अभूतपूर्व उत्साह दिखाई दे रहा है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस पर आदिवासियों के गुस्से और भाजपा पर आदिवासियों के भरोसे के कुछ ठोस कारण हैं। जब तक कांग्रेस सत्ता में थी, तब तक आदिवासी क्षेत्रों से, पिछड़े क्षेत्रों से सिर्फ भूखमरी की खबरें आती थी, कुपोषित बच्चों की तस्वीरें आती थी। कांग्रेस के नेता गरीबों की झोपड़ी में जाकर फोटो खिंचवाते थे, 10-10 कैमरा वालों को लेकर के जाते थे, तस्वीर चमकाते थे, उनकी गरीबी दिखाते थे, उनकी बेहाली दिखाते थे। और एक बार फोटो चमक गई खुद की, फिर उन आदिवासी परिवारों को भूल जाते थे। ये ड्रामा नाना ने भी किया, दादी ने भी किया, पिता ने भी किया, सबने किया, यही काम किया। जिन बच्चों को कांग्रेस के राज में सही पोषण नसीब नहीं था, वो बच्चे कांग्रेस नेताओं की तस्वीरें सजाने के काम आते थे। ये बात करते हुए भी मेरे दिल में बहुत दर्द होता है, पीड़ा होती है, लेकिन सच्चाई बताना जरूरी है। इस तरह की मानसिकता रखने वाली कांग्रेस क्या कभी गरीब का, किसी आदिवासी का भला कर सकती थी? भला कर सकती थी? पूरी ताकत से बताओ ना, भला कर सकती थी क्या? क्या हम उन पे भरोसा कर सकते हैं? क्या हमारी गरीबी उनके फोटो के लिए है क्या? इसी सोच के साथ दशकों तक हमारे आदिवासी भाई बहन हाशिए पर रहे। गरीब आदिवासियों के साथ हो रहा यह अन्याय अगर जारी रहता तो भारत कभी आगे नहीं बढ़ सकता था। इसलिए 2014 में आपने मुझे देश की जिम्मेदारी दी, तो मैंने संकल्प लिया, सबका साथ सबका विकास। भाजपा ने वंचितों को वरीयता दी, जो समाज के आखिरी छोर पर छूटे हुए थे, हमने उन्हें सच्ची और सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्हें कभी किसी से नहीं पूछा था, जिनकी किसी ने परवाह नहीं की थी। ये मोदी है, उन सब की परवाह करता है।
मैं तो जिंदगी के में कई वर्ष मुझे आदिवासी भाइयों के बीच काम करने का मौका मिला है। वर्षों तक मैं बस में दाहोद और इस सारे बेल्ट में आया करता था। ये कांग्रेस की सरकारें थी तब क्या होता था, वो आते थे फिर कहते थे कि सरकार ने योजना बनाई है, आपको बैंक का लोन मिलेगा, इतना लोन मिलेगा तो इतनी मुर्गी आएगी, इतनी मुर्गी आएगी तो इतने अंडे होंगे, इतने अंडे फिर इतनी मुर्गी, फिर इतने अंडे फिर इतनी मुर्गी। कभी कभी बोल देते थे कड़कनाथ का नाम भी, और वो बेचारा आदिवासी भी बोल समझता था अच्छा यार पैसे का लोन मिल रहा है, 5-10 मुर्गी मिल जाएगी, अंडे होंगे, धीरे धीरे विस्तार होगा, अंडे भी बेचेंगे मुर्गी भी बेचेगी, बच्चों का भला होगा। और वो बेचारा इस भरोसे लोन ले लेता था। और शाम को ही, अभी तो मुर्गी घर पहुंची है, शाम को ही लाल लाइट वाली गाड़ी आ जाती थी घर के बाहर, कैसे हो, मुर्गी तो बहुत अच्छी है। तो वो पूछता था साहब कहां से निकले थे, नहीं बोले निकला था लेकिन अब रात देर हो गई तो बोला सोच यहीं रहो। अच्छा तो फिर भोजन कर लीजिए, अब मुर्गी नहीं नहीं आई है, दो उसी रात साफ हो जाती थी। हफ्ते के बाद दूसरा नेता या बाबू आ जाता था, दो मुर्गी और चली जाती थी। बेचारा मेरा आदिवासी एक भी अंडा आने से पहले मुर्गी चली जाती थी, वो कर्जदार बन जाता था। यही खेल चलता था, चलता था कि नहीं चलता था, यही ठगी चलती थी कि नहीं चलती थी। भाइयों बहनों, हम जो भी काम करते हैं ना, पक्का करते हैं, पक्के इरादे से करते हैं। अब आप देखिए, जब कोविड आया, कोरोना आया, कितनी भयंकर बीमारी आई, दुनिया भर से हम टीवी में देखते हैं लोग मर रहे हैं, मर रहे हैं, मर रहे हैं, अस्पताल में डेड बॉडी पड़े हुए हैं, यही हाल था। गांव गांव डर लगता था, एक गांव वाला दूसरे गांव वालों को घुसने नहीं देता था, परिवार में भी कोई किसी को मिलता नहीं था, ऐसे हाल थे। हमारे जांपा के, दाहोद के बच्चे जो शहरों में काम करने गए थे, वो भी पैदल चल चल कर वापिस आ गए थे। चारों तरफ चिंता का दिन था, वो याद है ना, ऐसा लग रहा था गरीब का क्या होगा, मेरे आदिवासी भाई बहनों का क्या होगा। तब मोदी ने तय किया, मैं गरीब के घर में चूल्हा बुझने नहीं दूंगा, मैं गरीब के बच्चों को भूखा सोने नहीं दूंगा, मैं गरीब मां के आंख में आंसू आने नहीं दूंगा। और तब मैंने देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की योजना चला ली। मुफ्त राशन मिलता है कि नहीं मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता है, आज भी मिलता है और दिसंबर महीने तक भी मिलने वाला है। लेकिन मोदी ने मन बना लिया है, जिससे मेरे इन परिवारजनों का भला हो, मैंने तो मन बना लिया है, मैंने संकल्प भी कर लिया है कि दिसंबर में योजना पूरी हो रही है, लेकिन मैं इसे और 5 साल के लिए आगे बढ़ाऊंगा, ताकि आपको मुफ्त राशन मिलता रहे, आपके घर का चूल्हा जलता रहे और अनाज के लिए जो खर्चा होता है वो बच जाएगा,
उन पैसों से और जीवन के और कामों के लिए उपयोग होगा। आज आपके इस बेटे ने मुफ्त राशन, मुफ्त टीकाकरण, मुफ्त इलाज की व्यवस्था की है। इसका बहुत बड़ा लाभ आदिवासी परिवारों को हो रहा है। अब मैंने निश्चय किया है और आपके आशीर्वाद रहेंगे ना, 5 साल इसको चालू रखूंगा तो, और 5 वर्ष जारी रहेगा। अब तो एमपी भाजपा ने भी संकल्प लिया है कि दाल, तेल और चीनी पर भी रियायत दी जाएगी। मेरे भाइयों और बहनों, मोदी ने आपके लिए एक काम पक्का कर दिया है। आप काम के लिए झाबुआ से कहीं और जाएं, गुजरात जाए, राजस्थान जाए, महाराष्ट्र जाए, केरल जाए, तमिलनाडु जाए, पंजाब जाए, कहीं पर भी जाए, आपका जो राशन कार्ड है, जो बना यहां पर है, वह आप जहां जाओगे उसी राशन कार्ड से आपको मुफ्त राशन भी मिलता रहेगा।